आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगभग 30-40 साल के बाद भी एनसी की खिदमत करने के बाद आज एनसी के वेटरन लीडर सैयद मुश्ताक बुखारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या कुछ कहना है जानते हैं हम उन्हीं से। आज अब क्या कहेंगे, मैंने ज्वाइन कर लिया, अपना वादा पूरा किया। भाजपा ने हमें एसटी दिया, हम भाजपा में शामिल हो। क्या रहा कि और कमी नहीं थी, वो करना ही नहीं चाहते थे। ये जमात जो है भाजपा, ये लोगों का काम करना चाहती है इसलिए कर दिया। वो जो जमात थी वो लोगों का काम करना ही नहीं चाहती थी। जब तक सूरज को पूजा की होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो काफ़ी अर्से से पावर में थी, मैं खुद पावर में था। ये चढ़ते सूरज की पूजा की बात नहीं थी, ये हमारे लाखों लोगों का, 12 लाख लोगों हक की बात थी। 12 लाख लोगों को हक दिया हम उनके साथ, हो गई। आप क्या है, हमारी मैजर डिमांड यही थी कि पार्टियों को एसटी मिले, वो मिल गया, वो दे दिया। वो नहीं पसंद करते थे हमें, रिजल्ट में मत फंसो, वो हमें पसंद ही नहीं करता था इसलिए नहीं दिया हमें। अब भाजपा ने हमें पसंद किया, हमें दे दिया। चलिए मेहरबानी, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि क्या कहना है, बल्ले बल्ले है। आपने कहा कि अभी 2 विकेटें गिरी हैं, 8 अभी बाकी हैं, क्या लगता है ये 8 विकेटें जल्द गिर जाएंगी? जब क्रिकेट के मैदान में खेल होता है, जब 10 विकेटें गिरती हैं तो वो टीम क्लीन बोल्ड हो जाती है। अब घुगली पर घुगली चलेगी। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। चलिए, मुझे जो हाल चल रहा है, अब चलो मैं इस पर कोई ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा। तो आपने देखा, जैसा कि आपने देखा बीजेपी के हेडक्वार्टर में आज जो है एनसी के जो वेटरन लीडर हैं बुखारी साहब, उन्होंने आज ज्वाइन कर लिया है। और जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, हजारों की तादाद में जो है जो पुंछ राजौरी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और खैर मकदम किया है बीजेपी ने इनका, और आने वाले समय में ये क्या कुछ बदलाव लेगी ये भी देखना बाकी रहेगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय दाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।